प्रकृति प्रेमी। नेशनल एनवायरनमेंट कैंप दुधवा टाइगर रिजर्व, द 11 स्टार रिजर्व ऑफ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, यह एक 11 स्टार रिजर्व है क्योंकि यहाँ आप 11 लेजेंडरी सेलिब्रिटीज से मिलते हैं। मित्रों, यह हमारा आरामदायक कैंप है। आम के पेड़ के नीचे प्रत्येक टेंट को व्यवस्थित रूप से लगाया गया है और सामने उस ट्री लाइन के पीछे दुधवा का घना वन है। बधाई हो, एक प्रकृति प्रेमी के रूप में आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आज हम चाहते हैं कि आप एक नेचुरलिस्ट के जीवन का अनुभव करें और साल के वन को पहली बार महसूस करें। साल न्यूमरो उनो दुधवा की शीर्ष स्टार सेलिब्रिटी है। एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक के बाद आप अपने शानदार जंगल टेंट की ओर चल पड़े हैं। यह नागराज है, वह बटालिक और वह शेरा। प्रत्येक टेंट दुधवा के एक महान हस्ती को समर्पित है। ठेठ जंगल शैली में टेंट पर्यावरण में रचे बसे और सुरक्षित है, और महाराजा शैली में इन टेंटों में सभी संसाधनों की व्यवस्था है। बेड, कैंपिंग चेयर, पंखे, चार्जिंग पॉइंट और गर्म ठंडे पानी के साथ संलग्न वॉशरूम। एक प्रकृति प्रेमी के रूप में दुधवा का आपका अनुभव कहीं और नहीं बल्कि नेशनल एनवायरनमेंट कैंप में संभव है, क्योंकि हमारा तरीका अनोखा है। हम सैंड मॉडल प्रस्तुति के माध्यम से इस विशाल 1200 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की खोज शुरू करते हैं। यह सैंड मॉडल तराई क्षेत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह उन स्थानों के बारे में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है जहां हम जाएंगे। किशनपुर, दुधवा और कटनिया घाट रेंज। एक शुद्ध शाकाहारी भोजन के बाद, जिसे घरेलू स्नेक के साथ परोसा जाता है, आपको कैरावान टीम के सदस्य द्वारा महामहिम रॉयल बंगाल टाइगर के क्षेत्र में एक जंगल ट्रैक के लिए ले जाया जाता है। जंगल का पहला एहसास रोमांचकारी है। जंगल की हवा को महसूस करें, पक्षियों की चहकती धुन का आनंद लें, राजसी साल वृक्षों को गले लगाएं और उनके दोस्तों रोहिणी और भाट के पौधों से दोस्ती करें। तराई के इस जंगल के पहले एहसास के बाद आप कैंप में वापस आ गए हैं और एक शिकारी के भांति भूखे हैं, हम ये जानते हैं, और इसीलिए हमने खास आपके लिए कैंप फायर के साथ स्वादिष्ट स्नैक्स का भी इंतजाम किया है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, हमारे जंगल के किस्से और वाइल्ड लाइफ वीडियोज आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि हम सभी यहाँ प्रकृति प्रेमी और वाइल्ड लाइफर्स हैं। हम आपको एक गर्म चाय के बाद ही आपके टेंट में जाने देंगे। रात की शांति में, जबकि आप अपने दिन के खूबसूरत पलों को याद कर रहे हैं, आप हिरन की अलार्म कॉल सुन सकते हैं, कुक कुक कुक। वो अपने साथियों को टाइगर के शिकार पर आ जाने के लिए आगाह कर रहा है। इस सब के बीच में कैंप के चारों ओर उल्लू उड़ते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। यह सोने का समय है, वे कहते हैं। अगली सुबह हम 4x4 मैको ओपन थार में जंगल सफारी के लिए किशनपुर रेंज में जाएंगे। दूसरा दिन दुधवा की चार हस्तियों को समर्पित है। किशनपुर रेंज, झादी ताल वेटलैंड, दुधवा के पक्षी जीवन और बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्र पशु। चारों तरफ धुंध और कोहरा है, ऐसा लगता है मानो आप किसी जादुई परीलोक में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी थार जंगल में सबसे पहले अंदर आई है, हम जंगल के सुबह सुबह के स्वांग के गवाह बनते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण झादी ताल वेटलैंड है।
मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह प्लैनेट अर्थ पर सबसे खूबसूरत जगह है। हम एक वॉच टावर पर हॉट कॉफी की चुस्की लेते हुए और सैंडविच खाते हुए यहाँ के मनोरम दृश्यों को निहारते हैं। घास के मैदानों, जंगलों के बीच एक विशाल वाटर बॉडी और उसमें अनेकों वन्य जीव, क्रोकोडाइल्स, वाटर बर्ड्स, ऑटर्स और बारासिंघा के झुंड। यह है झादीताल जो दुधवा को अद्वितीय बनाती है, क्योंकि यह लुप्त प्राय बारासिंघा हिरण की अंतिम शरण स्थली है और मुझे विश्वास है कि टाइगर निश्चित रूप से आस पास ही है, क्योंकि किशनपुर रेंज में टाइगर की अच्छी संख्या है। शाम को हम जंगल ट्रैक कर शारदा नदी के तट पर पहुंचते हैं। शारदा दुधवा की लाइफ लाइन है, उसके बाढ़ मैदान मीलों तक फैले हैं। शारदा बैंक पर फाइन सैंड को महसूस करने के लिए, नंगे पैर बैठने के लिए हम आपके लिए एक चटाई बिछाते हैं। आपके बच्चे सैंड कैसल बनाने में मगन हैं और आप अलौकिक सनसेट देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। और ठीक यहाँ पृष्ठभूमि में एक मनोरम दृश्य है। Woods are lovely, dark and deep.